नमस्कार, मैं अपने चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए जे सुंदर सा डिज़ाइन लेके आए हैं, ये देखिए, ये बच्चों के लिए खास करके डिज़ाइन है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए हमने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, जो डिज़ाइनर फंदे हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा बॉर्डर दिया है, बॉर्डर आप कोई भी बना सकते हैं। बॉर्डर के ऊपर हमने ये डिज़ाइन बनाया है, ये डिज़ाइन चार सिलाई का डिज़ाइन है और पांच फंदों का डिज़ाइन है। पांच पांच फंदों के मल्टीपल के हिसाब से आप फंदे डाल सकते हैं और दो फंदे आप लास्ट में डालिए। पांच पांच स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करते हुए उसके बाद आप दो फंदे लास्ट में डालेंगे, जिसमें डिज़ाइन एडजस्ट हो जाता है। दो फंदे आगे सीधे रखेंगे, दो लास्ट में सीधे रखेंगे और डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। डिज़ाइन में कोई ऐसा नहीं है कि उलझन है या मुश्किल है। इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स, आप जो बिगिनर लोग हैं ना, जो अभी नया नया बनाना सीखे हैं, वो भी इसको बना सकते हैं इस डिज़ाइनर को, क्योंकि इसमें सीधी उल्टी सिलाई डलती है। एक ही सिलाई में डिज़ाइन बन जाता है, चार सिलाइयों का डिज़ाइन है। दो सिलाइयाँ हम सीधी उल्टी बनाएंगे, एक एक सीधी एक उल्टी, उसके बाद एक सिलाई पे डिज़ाइन बनता है, फिर उल्टी सिलाई आती है, फिर दो बीच में सीधी सिलाई आती है। तो डिज़ाइन जो जब बन जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को जब हम देखते हैं तो यह लाइनें दिखती हैं और देखिए उल्टी साइड से ये उल्टा उल्टा बनता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डिज़ाइन बिगिनर भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पीछे से भी, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। अगर आपने ये डिज़ाइनर फंदे देखने हो तो हम लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ आप देख सकते हैं। डिज़ाइनर इस डिज़ाइन को भी हमने अपलोड किया हुआ है, बाकी जो ऊपर का डिज़ाइन है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है ये हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 32 फंदे लिए हैं। आपने पांच पांच फंदों के हिसाब से फंदे लेने हैं, पांच फंदों के मल्टीपल्स के हिसाब से आप फंदे ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमारी हमने फंदे डालकर थोड़ा सा बॉर्डर बुन लिया है, डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। अब हम हमारी फर्स्ट सिलाई है बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर के ऊपर जो फर्स्ट सिलाई है वो हम सिंपल ही बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। तो हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, ये हमारी फर्स्ट सिलाई है, तो आपने ऐसे ही बनानी है। पूरी सीधी सिलाई बनाइए, फर्स्ट सिलाई हमने बना ली है। अब हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम प्लेन उल्टी सिलाई बनाएंगे और ये हमारी सेकंड सिलाई है, तो ये हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए हमने एक सीधी और एक उल्टी, दो प्लेन बनाई है, चार सिलाइयों का डिज़ाइन है। अब हम दो सिलाइयाँ ऊपर डिज़ाइन की बनाएंगे, दो हमने बनानी ही बनानी है, सीधी और उल्टी दो। अब हमारी थर्ड सिलाई है, थर्ड सिलाई में हम दो सीधे फंदे बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुने। अब हम जो ये तीन फंदे हैं हमारे आगे, पांच पांच फंदों का डिज़ाइन है, तो तीन फंदों को हमने ऐसे लेना है सिलाई में और पीछे को तीन का एक करना है, ऐसे एक कर लिया तीन का एक। अब इस फंदे को इस सिलाई में डालना है और इसका दो बनाने हैं, तीन बनाने हैं, एक थ्रेड आगे किया, एक और फंदा बनाना है, तो कितने हो गए, तीन। तीन फंदों के तीन फंदे हमारे रेडी हैं। इसमें हमने दो सीधे फंदों का गैप रखना है, दो सीधे रखने हैं। उसके बाद हमने फिर तीन फंदे ऐसे पहले ले लेने हैं, फिर इसको पीछे जाना है, क्योंकि फर्स्ट बार जब हम बुनते हैं डिज़ाइन को थोड़ा सा टाइट होते हैं फंदे, उसके बाद जब डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है तो फंदे बराबर आने लगते हैं और इजी हो जाते हैं बनाने। तो तीन फंदों का एक किया, जैसे ही तीन फंदों का एक किया फंदे छोड़ दिए, तीन का एक कर दिया। अब हमने इस फंदे को इधर ले आना है, ऐसे सीधा, जैसे इधर है
ऐसे ही इधर अब इसी फंदे को पीछे ले जाकर तीन बार बुनना है, एक बार बुनना है, थ्रेड आगे घुमा के दो बार बुनना है, दो बार बुना तो तीन फंदे कंप्लीट हो गए। अब आगे हमने दो फंदे फिर सीधे बनाने हैं, दो फंदे हमने फिर सीधे बनाए बिल्कुल प्लेन। अब फिर तीन फंदों को लेना है, पहले ऐसे सिलाई में ले लेना है, फिर इस सिलाई को पीछे ले जाना है और तीन का एक करना है, फिर इस फंदे को इधर ले आएंगे, इसी फंदे को पीछे से सिलाई ऐसे उसी टाइम पीछे सिलाई डाल के और एक बार बुनेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, फिर एक बार बुनेंगे, तो तीन फंदे बना लिए। फिर उसके बाद तीन दो फंदे सिंपल बुनने हैं ऐसे, फिर तीन फंदों का एक करना है, एक करके हमने छोड़ देना है, तीन फंदों को साथ के साथ ही छोड़ देना है। जैसे बुना पीछे को सिलाई जाकर जैसे बुना छोड़ दिया, इस फंदे को इधर ले आए, इसी को पीछे की तरफ से फिर बुना एक बार, थ्रेड आगे किया और दो बार, तो तीन फंदे फिर हमारे रेडी हो गए, जो घटाए हैं वो बढ़ गए, दो फंदे सीधे, तीन फंदों का पीछे को ऐसे एक करना है, इस फंदे को इधर ऐसे ही ले आना है, इसको पीछे से तीन बार, तीन फंदे बनाने हैं तो एक बार बुन लिया, थ्रेड आगे किया, एक बार फिर बुन लिया, तो तीन 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 में तीन फंदे निकल आए। फिर हमने दो फंदे बुनने हैं प्लेन, थ्रेड वही रखना है, तीन फंदों का एक करना है, पीछे को ऐसे तीन का एक किया, फंदे छोड़ दिए तीनों, इसको इधर ले आए, इसको फंदे को पीछे से बुनना है एक, थ्रेड आगे करना है दो, दो बार बुनेंगे तो तीन फंदे फिर बन जाएंगे। अब लास्ट में भी हमने दो फंदे सीधे रखने हैं, दो फंदे सीधे रखे, फर्स्ट में भी हमने दो फंदे सीधे रखे हैं, तो ऐसे बीच में डिज़ाइन बन जाएगा। ये हमारी थर्ड सिलाई है। अब हमारी फोर्थ सिलाई है, फोर्थ सिलाई हम पूरी रॉन्ग ही बुनेंगे, जो तीन फंदे बनाए हैं वो भी बुनेंगे, जो बीच वाले दो फंदे हैं वो भी उल्टे ही बुनेंगे, जो हमने तीन फंदे बनाए हैं वो भी उल्टे बारी बारी से बुन लेंगे, तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो रॉन्ग साइड है इसीलिए ये बिगिनर भी बनाते हैं, क्योंकि बनाएंगे और उनके लिए बहुत आसान रहेगा, खासकर ये बिगिनर जो नया नया बनाना सीखे हैं उनके लिए डिज़ाइन है कि आराम से बना सकें। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। रॉन्ग साइड पूरी रॉन्ग ही बनाएंगे, तो हमारा फोर सिलाई में डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब यही फोर सिलाई जो है हम दोबारा से रिपीट करेंगे, इन्हीं फोर सिलाई को हम बुनते जाएंगे। इसके बाद फिर दो बिल्कुल प्लेन सिलाइयाँ बनाएंगे, जो हमने फर्स्ट सिलाई बताई थी, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने पूरी सिलाई सीधी और एक उल्टी, दो सिलाइयाँ बनानी है बिल्कुल सीधी। ये देखिए हमने बिल्कुल सीधी बना ली है सिलाई, इसके बाद हम एक पूरी उल्टी बनाएंगे, उसके बाद फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चार सिलाइयों का डिज़ाइन है, आप इन चार सिलाइयों को आराम से बनाइए और रिपीट करते जाइए, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।